वेलकम यू ऑल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो मैथमेटिक्स का रिवीजन कर रहे थे उसमें मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड ये दोनों कर रखा था। तीनों ही मेथड इम्पॉर्टेंट हैं और हम लोग क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस हैं, जो आपकी बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, उसमें अलग अलग टाइप के लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं। दोनों वेरिएबल से जो रिलेटेड इक्वेशन हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं। तो कई केसेस के इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में आपको इक्वेशन सॉल्व करना एलिमिनेशन से अच्छा लगता हो, सब्स्टिट्यूशन से लगता हो अच्छा, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। बट अगर बाई नेम वो पूछेगा कि नहीं ये इक्वेशन को बाई मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करिए, तो फिर आपको वहाँ पर उसी मेथड से करना होगा। तो डेफिनेटली आपने एज अ रिवीजन के तौर पर देखूं ये मेथड आपने सीखा ही होगा। तो एक बार जनरली फटाक से देख लेते हैं हम क्या करते हैं इसमें। ये कंडीशन है कि हमारे पास दो इक्वेशन है A1, इनकी जनरल फॉर्म मैंने लिखी हुई है, A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। ये वाला केस मैंने जस्ट इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कि दिस इज द केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन। ये किसका है, यूनिक सोल्यूशन का है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे A1 B2 एंड A2 B1 और इक्वल के इस साइड लाएंगे, डज नॉट इक्वल है, तो उधर क्या बचेगा, जीरो। ये इसकी एक्चुअली प्रायर कंडीशन होगी। नाउ पहले हमें वेरिएबल है, लेट अस सपोज x = y = 1 के अपॉन में यहां पे लिख देंगे। हम x वेरिएबल को ऐसे क्लोज करेंगे तो कोफिशियंट पहले क्या दिखाई देगा, b1 b2, ये क्या हो गया b1 b2, और उसके बाद क्या है c1 c2। इस तरीके से लिख लेंगे b1 b2 और c1 c2। फिर हम आते हैं y पे, तो एक्चुअली y पे जहां से यहां एंड हुआ है c1 c2 c1 c2, और C के बाद फिर किसका नंबर आएगा, A का, तो ये हो जाएगा A1 A2। फिर यहां पर जो एंड हो रहा है वो है A1 A2 और फिर क्या है B1 B2। फिर हम इनके बीच में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई B1 C2 B2 C1, C1 A2 C2 A1, और A1 B2 और A2 B1। ये तीनों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपके पास ये रहा फर्स्ट टर्म, ये है आपके पास सेकंड टर्म, और ये रहा आपके पास थर्ड टर्म। और हम फिर क्या करेंगे, वन बाय वन फर्स्ट को इक्वल करेंगे थर्ड से, सेकंड को इक्वल करेंगे थर्ड से, और इस तरीके से एक्स और वाई वेरिएबल की हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मेथड आपने किया है, बस अब मैं इससे रिलेटेड क्या है, एक न्यूमेरिकल आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप करेंगे। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आते हैं। तो ये आपके सामने एक इक्वेशन है, जल्दीबाजी नहीं करना है, पहले ध्यान से समझिए मैं जिस तरीके सॉल्व कर रहा हूं। अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे, पहले को ये लिखा है 2x - y = 3, तो इक्वल के इस तरफ से 3 को इस तरफ लाएंगे, फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। एक्चुअली हमें राइट हैंड साइड में 0 ही रखना है। अगर राइट हैंड साइड में कोई नंबर है या कोई भी वेरिएबल से रिलेटेड कोई भी नंबर रखा हुआ है तो उसको हम किस तरफ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। फिर यहां पे ये हो गया 4x + y - 3 = 0। तो वी हैव दीज टू इक्वेशन, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अगला चीज, कोफिशियंट कंपैरिजन करते समय अगर हम कोफिशियंट को कंपेयर कर रहे हैं तो यहां पर A1 क्या है, 2, A2, ये A1 है, ये हमारा A2 है, दिस इज A1, दिस इज A2, A1 A2 क्लियर है। लेकिन B1 B2 को अगर मैं देखूं तो आपको हमेशा साइन के साथ लेना है। यहां पर कोफिशियंट के तौर पे क्या है, 1, लेकिन उसके सामने क्या है, माइनस, तो आपको B1 की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, माइनस, B2 की वैल्यू के सामने 1 और B2 की भी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको, +1। C1 C2 एज इट इज -3 -3, मतलब हमें साइन भी कंसीडर करना है। तो अगर मैं लिखूं क्या होगा, इफ दिस इज अवर एक्स, एक्स अपॉन पहला केस में 2 4
दिस इज माइनस वन, नो 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 नो, एक्चुअली मिस्टेक हो गया है, ध्यान से देखिए। पहले हम, हाँ ऐसी भी गलती हो तो आपको यहाँ से सीख लेना है, अगर हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें फिर y और y यानी b1 और c1 कोफिशियंट देखना है। तो ये क्या है माइनस वन और ये क्या है प्लस वन, प्लस वन को आप केवल वन लिखिए तो चलेगा, और ये हो गया माइनस थ्री और ये भी हो गया माइनस थ्री। नेक्स्ट y अपॉन, फिर जहाँ से हमने लीव किया है यानी माइनस थ्री माइनस थ्री, तो c के बाद फिर क्या लिखेंगे a, तो a की वैल्यू टू एंड फोर और इज इक्वल टू वन। हमारे पास वेरिएबल कौन से हैं, x है y है, इसके बाद कांस्टेंट है, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं वहाँ पे वन, इसका कोफिशियंट क्या मानेंगे वन। तो यहाँ पे हो गया टू फोर, ये हो गया टू और फोर, और नेक्स्ट क्या है माइनस वन प्लस वन, वेरी सिंपल, बस आपको मल्टीप्लाई करना है x अपॉन मल्टीप्लीकेशन, माइनस माइनस प्लस, थ्री वन जा थ्री। नेक्स्ट, ऑलरेडी क्वेश्चन में एक माइनस पहले से ही होता है मल्टीप्लाई करते समय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, और ये माइनस प्लस, थ्री वन जा थ्री, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री। ये वाला माइनस कैसा है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, क्वेश्चन में ही पहले से है, इज इक्वल टू वाई, थ्री फोर जा ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व, और ये माइनस इंटू टू, माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स, प्लस एक माइनस ऑलरेडी पहले से ही होता है। तो आप ऐसा समझिए, इस तरीके से लिख लीजिए इसे, इज इक्वल टू वन अपॉन टू वन जा टू माइनस फोर, माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर, और एक माइनस पहले से ही होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया x अपॉन माइनस माइनस प्लस, थ्री थ्री सिक्स, वाई अपॉन माइनस माइनस प्लस यानी माइनस ट्वेल्व प्लस सिक्स यानी माइनस सिक्स, इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस माइनस प्लस, फोर प्लस टू सिक्स। अब हमारा ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, और ये रहा थर्ड टर्म। तो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट कितना है x बाई सिक्स को कंपेयर करेंगे वन बाई सिक्स से, तो x इक्वल टू सिक्स बाई सिक्स कैंसल आउट, s इक्वल टू वन। फिर हम y अपॉन माइनस सिक्स को कंपेयर करेंगे, y अपॉन माइनस सिक्स इक्वल टू वन बाई सिक्स, सिक्स सिक्स गेट कैंसल एंड y इक्वल टू माइनस वन। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई, x की वैल्यू वन और y की वैल्यू माइनस वन। कंपैरिजन करना हो, कंपैरिजन इन द सेंस रीचेकिंग कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो x की वैल्यू वन रखेंगे तो टू वन जा टू माइनस माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस और टू प्लस वन कितना आ जाएगा थ्री, विच इज इक्वल टू थ्री। तो इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन क्या है करेक्ट है। इस तरीके के ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, और भी कई वेराइटी के क्वेश्चन हैं, उसको हम इसके इसी वीडियो में आगे देखते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर टू है, थोड़ा अलग फॉर्म का है। तो फॉर्म इन द सेंस देखिए कैसे है, टू अपॉन एक्स प्लस थ्री अपॉन वाई इक्वल टू थर्टीन, फाइव अपॉन एक्स माइनस फोर अपॉन वाई इक्वल टू माइनस टू। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, जनरल फॉर्म के तौर पर बनाना पड़ेगा। देखिए ये है टू इंटू वन बाई एक्स, और ये है प्लस थ्री इंटू वन अपॉन वाई, ऐसा है। तो इस वन बाई एक्स को अगर हम एज्यूम कर लें कि लेट अस सपोज ऐसे कि इफ वन बाई एक्स इक्वल टू यू और वन बाई वाई इज इक्वल टू वी, अगर हम ऐसा एज्यूम कर लें, वन बाई एक्स को क्या एज्यूम कर लूं यू, और वन बाई वाई को मैं क्या एज्यूम कर लूं वी। तो इस तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को क्या लिखेंगे 2u प्लस 3v, और इस 13 को किधर लाना पड़ेगा इस तरफ, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 13 इक्वल टू जीरो। यहाँ पर 5 वन बाई एक्स की जगह पे u, माइनस 4 वन बाई वाई की जगह पे v, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो आपने देखा ये इक्वेशन x और y वेरिएबल से कन्वर्ट होके किस में बदल गया, u और v में। ये कर लेना ज़रूरी है क्योंकि हमने जो मेथड सीखा है वो इसी फॉर्म में सीखा है।
तो इसको वहां पे लिखना जरूरी है इन द सेंस एग्जाम में कि वी आर गोइंग टू चूज वन बाई एक्स एज अ वी यू एंड वन बाई वाई इक्वल टू वी. तो इतना कर लेंगे. अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको. वही जनरल मेथड, सेम मेथड अप्लाई करेंगे. अब यहां पर u की जगह पे क्या, x की जगह पे क्या हो जाएगा u, और हम लिखेंगे 3 माइनस 4 माइनस 13 2 इज इक्वल टू v अपॉन v के बाद इसको, अब हम v लिखने जा रहे हैं तो यहां से माइनस 13 2 और 2 कॉमा 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये लिख रहे हैं तो 2 और 5 और 3 एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई करिए u अपॉन 3 टू जस 6. अगला चीज माइनस माइनस प्लस 13 4 जा 52 यानी प्लस 52 बट ऑलरेडी एक माइनस पहले से ही होता है फॉर्मूले में इज इक्वल टू v अपॉन माइनस 13 इंटू 5 माइनस 65 2 टू द 4 बट ऑलरेडी एक माइनस टू माइनस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 4 टू या 8 5 3 या 15 माइनस 15. तो u अपॉन 6 माइनस 52 माइनस 46 इज इक्वल टू v अपॉन माइनस 65 माइनस 4 माइनस 69 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 8 माइनस 15 माइनस 23. Right. So now we have this first term. This is our second term and this is our third term. So u upon minus 46 is equal to 1 upon minus 23. So minus minus cancel 23 2 ja 46. So u yahan se kitna aa jayega 2. U ki value kitni aa gayi 2. Similarly main yahan pe hi direct solve kar de raha hu. Minus se minus cancel 23, 3 जा 69 और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3. ये आपका आंसर हो जाएगा. ऐसा आपको लगेगा कि u इक्वल टू 2 और v इक्वल टू 3 ये आपका फाइनल आंसर है. नो, दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर. आपको यहां पर एक फिर से अपडेट करना पड़ेगा. आपने 1 बाई x इक्वल टू क्या एज्यूम किया था u और 1 बाई y इज इक्वल टू क्या एज्यूम किया था v. तो यहां पर जब u की वैल्यू आपने कितनी पाई है 2, तो जब आप रखेंगे 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 तो यहां से x की वैल्यू कितनी है, x इधर आएगा ये कितना हो जाएगा 1 बाई 2 और जब आप v की वैल्यू यहां पर रखेंगे 3 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाई 3. सो दिस इज योर रियल सोल्यूशन, ये आपका एक्चुअल सोल्यूशन है. तो आपको यहां पर ये सॉल्व करना है. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई 3. लेकिन ये हम कैसे कर पा रहे हैं, पहले हमने क्या किया है ट्रांसफॉर्मेशन 1 बाई एक्स को u वेरिएबल में और 1 बाई वाई को v वेरिएबल में. तो यहां तक कि ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हैं. ये दोनों क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व हुए. आपकी बुक में जितने क्वेश्चंस हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड और भी इसमें अभी वेराइटी है अलग अलग ढंग के, तो उसके भी हम लोग क्वेश्चन आगे करेंगे. बट आप उतना कंप्लीटली क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए. फिर हम स्टेटमेंट वाले जो भी क्वेश्चन हैं स्टेटमेंट टाइप वाले उनको भी करेंगे. राइट right? Now we have a third question. देखिए ये भी question है. तो ऐसे questions को देखकर आपको बिल्कुल fear नहीं होना है कि ये क्या question आ गया. नहीं, these are very easy questions. और ये आपने जो boat वाला problem है जिसमें आपके पास still water में क्या speed है, still water की क्या speed है, boat की क्या speed है, वैसे questions में आपको इसकी जरूरत पड़ती है. तो वैसे questions में statement वाला जब कराऊंगा तो आपको clear होगा. But फिलहाल अभी के तौर पर देखिए हमें कुछ इन दोनों इक्वेशन में कॉमन दिखाई पड़ रहा है. क्या कॉमन है आपको दिख रहा होगा, 3 अपॉन x प्लस वाई यहां भी है और x प्लस वाई यहां भी है और x माइनस वाई यहां भी है एंड हियर ऑल्सो x माइनस वाई. नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया था 1 अपॉन x प्लस वाई को आप एज्यूम करिए u. थोड़ा आपका काम बढ़ेगा आगे इसमें फिर से. और 1 अपॉन x माइनस वाई को आप एज्यूम करिए v और पुट करके देखिए
ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ही तो है, तो एक्चुअल इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3u प्लस 2, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह पे आप क्या रख देंगे v, और प्लस 2 को किधर ले जाना है, उस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 9u माइनस 4v एंड प्लस 1 विल बी गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देन इट विल बिकम माइनस 1। सो योर एक्चुअल इक्वेशन इज दिस, एंड इफ यू वॉन्ट टू ट्राई, अगर आप करना चाहते हैं तो एक बार करके देखिए, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन तो हो चुका है। तो वॉट इज द वैल्यू, हम कैसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यू के अपॉन में क्या लिखते हैं कोफिशियंट, 2 कॉमा माइनस 4, माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू वी अपॉन, इसको हम कवर करेंगे तो कहां लिखेंगे, माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब इसके कोफिशियंट लिखने जा रहे हैं तो हो जाएगा 3 9 एंड 2 कॉमा माइनस 4। सो दिस इज योर इक्वेशन, तो फटाक से सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा मैं यहां पे क्विकली सॉल्व करूंगा, 2 1 जा 2 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, बट माय डियर एक ऑलरेडी माइनस यहां पर होता है, इज इक्वल टू वी 9 2 जा 18 माइनस 18, 3 1 जा 3 यानी माइनस 3, बट आप क्या भूल रहे हैं, एक माइनस जो वहां पे पहले से ही होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 12 और 9 2 जा 18 यानी माइनस 18। तो सॉल्व कर लीजिए फटाफट, u अपॉन माइनस 10 इज इक्वल टू v अपॉन माइनस माइनस प्लस, और माइनस 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 12 माइनस 18 कितना हो जाएगा माइनस 30। तो मैं अब क्या करूंगा, u अपॉन माइनस 10 और इसको एक साथ रखो, u अपॉन माइनस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 30, u अपॉन माइनस 10 और ये क्या हो गया माइनस 30, तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल, 10 3 जा 30, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 3, नो एक्चुअली u की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई 3, यस। सिमिलरली अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो माइनस माइनस कैंसिल और 15 2 जा 30 यानी 1 बाई 2, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई 2। फिर से वही बात, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, आपने u इक्वल टू क्या अज्यूम किया है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई कितना आया 1 बाई 3, तो फ्रॉम हियर एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इधर मल्टीप्लाई किया और 3 का इधर, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, वी की जगह पे आपने क्या अज्यूम किया है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो फ्रॉम हियर एक्स माइनस वाई इधर मल्टीप्लाई हुआ 2, तो ये कितना हो गया एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। अगर यहां पर आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना चाहते हैं तो फिर से आपको 3 और 2 को इस तरफ लाना होगा और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाइए, बट मैं अब इसको इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से लगाऊंगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, एक्स प्लस एक्स 2x, 3 प्लस 2 5, तो फ्रॉम हियर x इक्वल टू 5 बाई 2, एंड सिमिलरली इफ आई पुट x इक्वल टू 5 बाई 2, अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 5 बाई 2 रख दूं तो प्लस y इज इक्वल टू 3, सो y इक्वल टू 3 माइनस 5 बाई 2, टेकिंग एलसीएम 3 टू जा 6 माइनस 5, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5 बाई 2 एंड y की वैल्यू कितनी हो गई 1 बाई 2। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक एक्चुअली देखेंगे, आपके पास 3 क्वेश्चन हैं और आप इससे वैरायटी के क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, उनको प्रैक्टिस करके आप देख लीजिएगा, इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करेंगे, और इस तरीके से आपका चैप्टर 3 का मोस्ट ऑफ द पार्ट हो चुका है, और फिर हम लोग अब क्या स्टार्ट करेंगे, पहले स्टेटमेंट वाले 2-4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अच्छे लेवल वाले जो क्वेश्चन हैं, और फिर हम लोग अगले चैप्टर की तरफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2 एंड 4 अपॉन रूट एक्स
माइनस नाइन अपॉन रूट वाई इक्वल टू माइनस वन। तो सिंपल ही है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको यहाँ भी क्या करना है, हमें कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, इसको लीनियर फॉर्म में बनाना है, ठीक है ना। तो ट्राई करिएगा, और भी जो बुक्स में क्वेश्चन है उनको भी आप ट्राई करिएगा, और प्रीवियस के जितने भी चैप्टर 1, 2, 3 स्टेटमेंट वाले अब ख़त्म होने वाले हैं, रिवाइज करते रहिए टिल जनवरी स्टार्ट हो गया। बहुत जल्दी ही आप लोगों का जनवरी तक मैंने बोला है सिलेबस ख़त्म करने के लिए, तो जितने भी होंगे वो सारे कवर करा दिए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।